योगी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप मोदी जी का स्लोगन रहा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप इसको दोहराते हैं, आप हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। अगर आपकी आपने इतने कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए हैं, मगर मुसलमान कोई भी कैंडिडेट आपने घोषित अभी तक नहीं किया है, देखिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी, श्री मोहसिन रजा जी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी, और भी इस प्रकार के चेहरे हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हां, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। तो भारत को प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रसा बसा है, हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन ये चीज जरूर की सबका साथ सबका विकास, ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं, जो लोग गरीब कल्याण का नारा देते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, क्या उनका सामाजिक न्याय है? गरीबों की पेंशन को हड़प जाना, क्या यही सामाजिक न्याय है? गरीबों के आवास की योजना को लागू न करना, क्या यही सामाजिक न्याय है उनका? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना मकान मिला था गरीबों को? 18,000 जी। मिला नहीं था, सैंक्शन हुए थे जी। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 43,500,000 यानी 43,50,000 से अधिक आवास उत्तर प्रदेश के गरीबों के बने हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी जाति और अन्य गरीबों की आवास, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप कह रहे थे मुसलमान भी हैं, मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोग हैं इसमें, तो वो हमारा नागरिक है भाई, क्यों नहीं उसको मिलना चाहिए जी। शासन की योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबको सुरक्षा, सबको योजना का लाभ, सबको सम्मान, सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं नहीं होगा। हम व्यवस्था को भारत के संविधान के अनुरूप चलाएंगे। हमारी व्यवस्था व्यक्ति, जाति, मत और मजहब का आधार नहीं बन सकती। यही भारत का सेकुलर स्टेटस है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं हो सकता, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, और सरकार उसी दिशा में कार्य कर